नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कोरोना वायरस को किल करने के लिए हैंड सैनिटाइजर और सोप कौन ज्यादा इफेक्टिव है और बिल्कुल उसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ किलिंग है और कौन सा इफेक्टिव तरीका है और क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोरोना वायरस को सोप सॉल्यूशन से अगर हम किल करते हैं तो हम पाते हैं कि यह काफी सिंपल और सरल तरीका है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए और खास करके कोरोना वायरस के स्ट्रेन को मारने के लिए काफी इफेक्टिव तरीका है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे सोप सॉल्यूशन वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है और कैसे हैंड सैनिटाइजर बैक्टीरिया और वायरस को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने के पहले हम लोग वायरस और बैक्टीरिया के बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल आम बोलचाल भाषा में समझते हैं। तो बिल्कुल वायरस जो होते हैं लिपिड बायलेयर के मेम्ब्रेन होते हैं, स्पेरिकल मेम्ब्रेन होते हैं और उनके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए मटेरियल होता है जेनेटिक वायरल के, और उसके ऊपर क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो मदद करते हैं वायरस को इंटर द होस्ट सेल, तो होस्ट सेल के अंदर हिलने में मदद करते हैं। दूसरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या है डबल लिपिड मेम्ब्रेन का बना होता है और उस पर क्या होता है कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे सोप वायरस या बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को मारता है, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोप सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर क्या, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। तो किसी भी सोप सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन पोलर टेल्स होते हैं। पोलर जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं जो कि वाटर के साथ बाउंड होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। दूसरा क्या होता है नॉन पोलर स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा अवॉइड वाटर्स और बाउंड किसके साथ करेगा आयल के साथ बाइंड करेगा। नॉन पोलर को बोलेंगे हम लोग आयल से बाइंड करेगा। अब हम लोग करते क्या है कि अगर इस सोप मॉलिक्यूल को वायरस के साथ या बैक्टीरिया के साथ हम लोग क्या करते हैं इंटरेक्ट कराते हैं या दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वायरस के लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं। और कैसे ब्रेक करते हैं तो होता क्या है कि लिपिड जो आयल्स का बना होता है या प्रोटीन्स का बना होता है तो ये मॉलिक्यूल इसको डिसोल्व कर देते हैं और डिसोल्व करने पर इसमें जो टेल पार्ट है नॉन टेल पार्ट एक मिसिल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और जबकि आउटर हेड पार्ट बिल्कुल वाटर के कॉन्टेक्ट में रहता है। तो सोप क्या कर रहा है बेसिकली वायरस या बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को फ्रेगमेंट कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है और तोड़ने के बाद उसको टीनी बबल्स लाइक स्ट्रक्चर इसको मिसिल्स भी नाम से जानते हैं बना लेता है और तोड़ने के बाद बहुत सा मिसिल्स बन जाता है और जैसे ही पानी से अगर इसको वॉश करेंगे तो ये क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मोड ऑफ एक्शन सोप का क्या है। अब हम लोग हैंड सैनिटाइजर के बारे में समझते हैं कि क्या है और कैसे मारता है और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लिक्विड और जेल होता है जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है, फंजाई को और सम वायरसेस को भी किल कर सकता है। और इसका जो सबसे पहले 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया हेल्थ केयर सेक्टर में, तो देखते हैं कि इसका क्या काम है और कैसे मोड ऑफ एक्शन है। तो सैनिटाइजर जो हैंड सैनिटाइजर दो तरह के बने होते हैं, एक अल्कोहल बेस्ड होते हैं और दूसरा क्या होता है नॉन अल्कोहल बेस्ड होते हैं। तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं ओनली अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आर मोर इफेक्टिव तरीके से किल कर पाते हैं। किसको किल पार कर पाते हैं वायरस और बैक्टीरिया को। तो नॉन अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं या ऐसे सैनिटाइजर जिनका अल्कोहल कंटेंट 70% से लो है उनकी भी मैं बात नहीं
कर रहा हूं। आप देखते हैं कहने का क्या मतलब क्या है कि इसमें भी इथाइल अल्कोहल कंटेन होता है और उसमें क्या होता है पोलर और नॉन पोलर पार्ट होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। तो जैसे ही अगर मान लीजिए वायरस या बैक्टीरिया को इथाइल अल्कोहल के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो करता क्या है पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट, तो नॉन पोलर पार्ट इंट्रैक्ट करता है और अल्टीमेटली क्या है कि इंट्रैक्शन के बाद उनका जो लिपिड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो डिसोल्व हो जाता है और साथ ही साथ प्रोटीन भी जो हो जाता है वो डिनेचर कर जाता है, प्रोटीन भी फंक्शन अब नहीं करते हैं। और सरल भाषा में बोलें तो जब स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया और प्रोटीन डिनेचर कर गया, प्रोटीन का फंक्शन खत्म हो गया, तो वायरस और बैक्टीरिया क्या हो गया खत्म हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं हैंड सैनिटाइजर का क्या लिमिटेशन है। पहले चीज कि नॉन अल्कोहलिक बेस्ड तो उतने अच्छे होते नहीं है, दूसरा अगर आप अल्कोहल बेस्ड लेते भी हैं तो होता क्या है कि समय के साथ अल्कोहल कंटेंट घटते जाता है, क्यों, क्योंकि वो इवेपोरेट करता है एयर में और अल्कोहल कंटेंट रिड्यूस कर जाता है किसमें आपके हैंड सैनिटाइजर में जो अल्कोहल बेस्ड हैं। और जैसे ही कहानी होती है तो हम जानते हैं कि एनी सैनिटाइजर बिलो देन 60% पेपर्स भी रिसर्च पेपर्स भी मौजूद हैं आर नॉट इफेक्टिव टू किल वायरसेस। तो जैसे ही अल्कोहल कंटेंट 70% से नीचे जाता है तो आप वायरस को इफेक्टिव तरीके से किल नहीं कर पाते हैं। तो सारे चीजों में हमने देखा क्या कि सोप और हैंड सैनिटाइजर के किलिंग मैकेनिज्म के बारे में देखे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहला तो नॉन अल्कोहलिक की तो बात ही नहीं करते हो तो काम ही नहीं करता ढंग से, दूसरा अल्कोहल बेस्ड भी है 70% है तो काम करता है लेकिन जैसे ही उसका कंटेंट लो हुआ वो भी अपना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता है। साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करेंगे तो आपका हाथ भी काफी ड्राई होने लगता है। चलिए एनीवे ऑल टुगेदर हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि सोप बेटर है देन हैंड सैनिटाइजर, नहीं किसे किल करने के लिए कोरोना वायरस के। साथ ही साथ जो सोप होते हैं काफी सस्ते भी होते हैं इन कंपेयर हैंड सैनिटाइजर, तो सोप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें टू किलिंग द कोरोना वायरस। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें शेयर करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले, साइंटिफिक जानकारी मिले और साइंटिफिक जानकारी जो कि फैक्ट पर आधारित है और वो कंफर्टेबल तरीके से सोप का इस्तेमाल करें रेदर देन हैंड सैनिटाइजर। अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं एक बार और कहूंगा कि जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें और थैंक यू।